पिछले कुछ दिनों से हवाएं तेज चल रही है और उसी का नतीजा है कि हमें और आपको आसमान इतना साफ देखने को मिल रहा है। सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से सोना एलिवेटेड रोड फेज वन पे। और आज ये देखने वाले हैं कि सोना रोड के फेज वन पार्ट पे क्या कुछ काम किया जा रहा है। कंपनी जो इस पे काम कर रही है वो है OSE ओरिएंटल, और आज यही देखने वाले हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कुछ बना रही है NHAI। 21 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है ये, और इसे दो फेज में डिवाइड किया गया है, फेज वन और फेज टू। फेज वन जो कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और फेज टू जो कि मैंने आपको दिखाया था कि कितना कुछ काम उस पर हुआ है, और उस पर अच्छा खासा काम हुआ है, बहुत सारा काम हो रखा है उस पर, और उसका एक लेटेस्ट अपडेट फिर से आने वाला है। लेकिन फिलहाल तो बात फेज वन की। सेक्टर 68 है ये, इस जगह पर ये एक्सप्रेस लेन तो बहुत पहले ही बन गया था। यहाँ पर एलिवेटेड रोड का काम किया जा रहा है, और ये सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड होने वाला है सोना रोड का। इस जगह पर कुछ साल पहले टोल हुआ करता था, लेकिन उसे हटा दिया गया है। को हटाने के बाद इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया, और टोल को बहुत ही आगे शिफ्ट कर दिया गया। भोंडसी का जो मार्केट है उसको क्रॉस करने के बाद जो नया टोल आप देख रहे हैं वो बनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस रोड पे पहले टोल नहीं था, इस रोड पे पहले भी टोल था। जी हाँ, इस्कॉन टेम्पल के सामने हुआ करता था वो टोल बूथ। चलिए, ये है एलिवेटेड पार्ट जो कि बनाया जा रहा है। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर दिया गया है, पैराफिट वॉल का काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ साउंड बैरियर्स भी लगाने हैं, उसका भी काम किया जा रहा है। ये है सर्विस रोड, और इस सर्विस रोड पे भी काम किया जाना है, और यहाँ पर वैसे काम किया भी जा रहा है ये स्ट्रीट लाइट का। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया दो डिज़ाइन क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे HEG इंफ्रा ने जितने भी स्ट्रीट लाइट लगाए हैं वो एलिवेटेड पार्ट के ऊपर ही लगाया है। यहाँ पर OSE कंपनी जो लगा रही है वो इस सर्विस रोड पर लगा रही है। आज नकल इस पे लेन ऐड करना ही होगा इस सर्विस रोड पे, क्योंकि ट्रैफिक का मूवमेंट खासकर फेज़ वन में बहुत ही ज़्यादा है, राजीव चौक से लेकर जो ये सेक्टर 68 तक आता है, और ये आपको इस वीडियो में दिख भी जाएगा। तो जब फ्यूचर में आज से 2-3 साल बाद यहाँ पर लेन ऐड करना होगा, तो सबसे पहले इस स्ट्रीट लाइट को हटाना पड़ेगा। कंपनी को, उनकी टीम को इस पर ध्यान देना चाहिए कि चीज़ें ऐसी लगाएं, चीज़ें ऐसी बनाएं जो लो मेंटेनेंस हो, और शायद वो किया भी जा सकता है। इस पैराफिट वॉल के ऊपर स्ट्रीट लाइट को लगाया जा सकता है, लेकिन निर्णय उन्हीं को लेना होगा। और मुझे लगता है जो HEG इंफ्रा जो ऑप्शन से ऑप्ट किया है वो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, और यहाँ पर फेज वन में भी उसी ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए। ये जगह है वाटिका चौक, और इस क्रेन की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है, और धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छे खासे पिलर को कनेक्ट कर दिया गया है इस क्रेन की मदद से। जी हाँ, यहाँ पर एक पिलर बनाए जाने हैं, इनफैक्ट एक नहीं दो। जब आप वाटिका चौक पहुंचेंगे तो भी आपको एक पिलर पे काम करती हुई टीम दिखेगी, और वाटिका चौक को जब आप क्रॉस कर देंगे तो उसके बाद भी एक पिलर आपको दिखेगा जो कि कंस्ट्रक्ट कर लिया गया। इनफैक्ट वो तो उसमें कुछ दिन पहले ही कंक्रीट डालकर उसे सेट करने के लिए छोड़ दिया गया है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाइलिंग का काम करती हुई टीम इस जगह पर, और जैसे ही इस पॉइंट को यानी कि जैसे ही आप वाटिका चौक को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद एक नया पिलर आपको और हमें देखने को मिलेगा। अगले 8 से 10 दिनों में ये जो लॉन्चर है वो हमें इस जगह पर दिखने वाला है वाटिका चौक पे। वाटिका चौक को जैसे आप क्रॉस करोगे तो 7 पिलर है जिनको कनेक्ट करना है इस लॉन्चर को, और थोड़ा सा वेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पिलर है इसको अभी जस्ट बनाया गया है, तो ये जब सेट हो जाएगा उसके बाद उस लॉन्चर को थोड़ी तेज़ी के साथ लाया जाएगा। लेकिन जैसे आप वाटिका चौक को क्रॉस करेंगे, इंक्लूडिंग ये जो नया पिलर आया है तो इसको इंक्लूड करने के बाद 7 पिलर है जिनको कि कनेक्ट करना है, और उसके बाद ये लॉन्चर पहुंच जाएगा वाटिका चौक पे। वाटिका चौक जैसे ही ये लॉन्चर पहुंचेगा उसके बाद इसे यहाँ से हटा लिया जाएगा, क्योंकि इसका काम फिर हो जाएगा कम्प्लीट। जी हाँ, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का। आप सोचेंगे कि जो वाटिका चौक के बाद जो बादशाहपुर और उसके बीच का जो पिलर है वो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो आपने जैसा कि देखा क्रेन की मदद से तो कनेक्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो बादशाहपुर में जो लॉन्चर है वो आगे वाटिका चौक की तरफ आ रहा है,
तो उसकी मदद से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये सिर्फ वाटिका चौक तक ही जाने वाला है, उसके बाद इसे यहाँ से हटा लिया जाएगा। तो ये जगह है सुभाष चौक, और इस जगह पर जो एलिवेटेड पार्ट है यहाँ पर आकर ख़त्म होता है, जो कि सेक्टर 68 से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ से अंडरपास का काम स्टार्ट हो रहा है, और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अंडरपास का काम किया जा रहा है। जी हाँ, और इस सुभाष चौक से पहले, यानी कि ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है उससे पहले तो यहाँ पर ये काम जो है वो कर लिया गया है अंडरपास का, और अब तो इस पर जो ये जो स्ट्रक्चर्स खड़े करने हैं ये भी किया जा रहा है टीम द्वारा। लेकिन जैसे ही आप सुभाष चौक को क्रॉस करेंगे तो आपको और हमें दिखेगा कि उस पर भी अब फाइनली हमें और आपको उस पर भी टीम दिखेगी जो कि काम कर रही है इस अंडरपास को बनाने के लिए। जी हाँ, जैसे ही ये जो फ्लाईओवर आप क्रॉस करेंगे उसके बाद, क्योंकि इसी फ्लाईओवर की वजह से यहाँ पर अंडरपास दिया गया है, तो ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं ये तो होने वाला है पूरी तरीके से अंडरपास। इस तरफ आप जाएंगे तो जा सकते हैं राजीव चौक, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जब आप राजीव चौक से आएंगे तो आप इस लेन को यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ, और ये दो लेन का दोनों तरफ हमें और आपको सर्विस रोड देखने को मिलेगा, जिसको अभी फ़िलहाल ओपन कर दिया गया है। और इस सर्विस रोड का काम डिले होने की वजह से ही हमें और आपको जो अंडरपास का काम है वो देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस तरफ IGL की गैस पाइपलाइन है, तो पहले उसके अलाइनमेंट को सही किया गया है, फिर सर्विस रोड बनाया गया है, और उसके बाद अब फाइनली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है इस अंडरपास का। जी हाँ, और अगर आप राजीव चौक की तरफ से आते हैं तो आपको इस सर्विस रोड पे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि राजीव चौक से लेकर यहाँ तक पूरी तरीके से एक्सप्रेस लेन को बंद कर दिया गया है, ये देखिए। और इसके आगे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पर जो एलिवेटेड पार्ट है वो बनाया जा रहा है, जो फ्लाईओवर है। तो चलिए इस तरफ आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम इस पर किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो इस पॉइंट पे ये प्रोजेक्ट होता है ख़त्म, जहाँ पर ये जो फ्री वॉल आप देख रहे हैं। जी हाँ, तो इसी पे ख़त्म होता है ये। और स्टेट जाएंगे तो आप जा सकते हैं गुड़गांव सिटी, लेफ्ट लेंगे तो आप जा सकते हैं जयपुर मानेसर, राइट लेंगे तो आप जा सकते हैं दिल्ली, जी हाँ उद्योग विहार भी जा सकते हैं। यही वो जगह है जिसे कि हम और आप कहते हैं राजीव चौक, और यहीं तक है ये प्रोजेक्ट। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूंगा, आपको घुमाता रहूंगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और ये जो देख रहे हैं एलिवेटेड पार्ट, ये तो है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे का। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।